रंग बिरंगी कुल्फी कैसे बनाते हैं? इसे बनाना बहुत ही आसान है। डेढ़ टेबल स्पून खस फ्लेवर का शरबत लें, 2/3 कप पानी डालें, स्वाद के अनुसार चीनी डालकर चीनी को अच्छी तरह मिला दें। 2 टेबल स्पून रोज फ्लेवर का शरबत लें, इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डालें और 3/4 कप पानी डालकर चीनी को अच्छी तरह मिला दें। अब इसे कुल्फी के सांचे में डालें, इसे आधे से थोड़ा कम भरें और फ्रीजर में 1.5 से 2 घंटे के लिए रखें और रोज फ्लेवर के शरबत को फ्रीज में रखें ताकि वह ठंडा रहे। अच्छी तरह से जम चुका है, अब इसमें रोज फ्लेवर का शरबत डालें, इसे अब ऊपर तक भर दें। अब इसका ढक्कन बंद करें और इसे फ्रीजर में 8 से 10 घंटे के लिए रखें। अच्छी तरह से जम चुका है, अब इसे सर्व करें। इसे हम दूध से बनाएंगे। 3/4 कप दूध लें, स्वाद के अनुसार चीनी को इसमें मिक्स करें। आधा दूध दूसरे ग्लास में डालें। अब इसमें 2 टेबल स्पून रोज फ्लेवर का शरबत डालें। दूसरे ग्लास में खस फ्लेवर का 2 टेबल स्पून शरबत डालें। इसे हम डिस्पोजर कटोरी में बना रहे हैं। 1 कटोरी में खस फ्लेवर का डालें आधी कटोरी और दूसरे में आधी कटोरी रोज फ्लेवर का डालें। दोनों कटोरी को फ्रीजर में रखें 1.5 से 2 घंटे के लिए और दोनों ग्लास फ्रीज में रख दें। अभी अच्छी तरह से जम चुके हैं। सावधानी से खस वाले में रोज वाला डालना है और रोज वाले में खस वाला डालेंगे और इसे फ्रीजर में वापस से रखें जमने के लिए। कम से कम 6 से 7 घंटे में यह जमकर तैयार हो जाएगी। अब इसे आप सर्व करें। चाहे तो आप बादाम के टुकड़े भी इसके ऊपर डाल दें। चीनी 1/4 कप, स्वाद के अनुसार 2/3 कप आम का रस, इतनी ही मात्रा में दूध लें। अब इन तीनों को मिक्सर में डालकर पीस लें। अब इसे कुल्फी के सांचे में डालें, थोड़ा सा ऊपर से खाली रहने दें। अब इसके ऊपर दूध डालेंगे। दूध को हमने पहले से ही मीठा करके रखा है। यह 2/3 कप दूध है, बहुत ही सावधानी से डालना है। अब इसका ढक्कन लगा दें और इसे फ्रीजर में 8 से 10 घंटे के लिए रखें। जमकर तैयार है। निकालने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा पानी चारों तरफ डाल दें ताकि आसानी से निकल जाए। इसे डिस्पोजर ग्लास में भी बना सकते हैं। आधा ग्लास भरें। अब इसके ऊपर बहुत ही सावधानी से दूध को डाल दें।
और इसे फ्रीजर में 8 से 10 घंटे रखें या फिर पूरी रात रखें। अब यह अच्छी तरह से जम चुका है। अब चाकू से 1 इंच तक इसके अंदर डालें इस तरह से। अब इसमें 1 चम्मच से इस तरह से चम्मच को डालना है। इसे नीचे तक नहीं जाना चाहिए। अब इसे बहुत ही सावधानी से बाहर निकालें और फिर इसे सर्व करें।